2030 तक भारत में 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप होनी है। इसके लिए बहुत सी ग्रीन एनर्जी कंपनीज आईपीओ रूट के थ्रू पैसे रेस करना चाहती हैं, जिससे वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को एनहांस कर सके। इस लिस्ट में मुख्य नाम है वारी एनर्जीज, जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। दिसंबर 2023 में इन्होंने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स आईपीओ के लिए सबमिट किए थे, जिसमें ये 3,000 करोड़ का फंड रेस करना चाहते हैं। दूसरा नाम है प्रीमियर एनर्जीज का, जो हैदराबाद की कंपनी है, और कोलकाता की विक्रम सोलर का। ये दोनों ही कंपनी सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करती हैं और फंड रेजिंग करना चाहती हैं। प्रीमियर एनर्जीज ने एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक को चूज किया है ताकि वो आईपीओ के थ्रू 2,000 करोड़ रुपीज रेज कर सके। विक्रम सोलर भी 600 करोड़ से 800 करोड़ के बीच में रेज करना चाहते हैं आईपीओ से पहले, और ये पैसा वो एचएनआई इंडिविजुअल से रेज करना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत से और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1 गीगावाट से कम है। ये मैन्युफैक्चरर्स इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं ताकि वो अपनी फंड रेजिंग कैपेसिटी को गेज कर सकें।